ये है iPhone 15 और ये है ऑलमोस्ट परफेक्ट नॉन प्रो आईफोन। इस फोन को मैं पिछले 30-40 दिनों से रेगुलरली यूज कर रहा हूँ। काफी सारी चीजें हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई हैं और कुछ एक चीजें हैं जिनने मुझे डिसअपॉइंट भी किया है। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस इस फोन के साथ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करें अगर इसके लुक्स की, तो भाई दिखने में सेम टू सेम आईफोन 14, आईफोन 13, इवन आईफोन 12 जैसा ही दिखता है। बस आईफोन 12 में स्ट्रेट लाइन में लेंसेस थे और 13, 14, 15 में आपको डायगोनल लेंसेस मिलते हैं। चारों तरफ पे मैट टेक्सचर वाला एल्युमिनियम फ्रेम्स, फ्रंट एंड बैक में ग्लास। ओवरऑल जो डिजाइन लैंग्वेज है वो सेम टू सेम पिछले आईफोन के जैसे ही है। अगर आप दोनों ही फोन को साइड बाय साइड पकड़ते हो तो भाई ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट डिवाइसेस फील होते हैं, क्योंकि आईफोन 15 में यहाँ पे आपको प्रीमियम मैट टेक्सचर मिलता है जो कि इससे पहले तक सिर्फ प्रो वेरिएंट्स में मिलता था। और सिर्फ ये मैट बैक रीजन नहीं है, यहाँ पे जो आपको एडजेस मिल रही है ये डेफिनेटली फ्लैट एडजेस हैं, लेकिन इसके कॉर्नर्स आपको हल्के से राउंडेड मिलते हैं जिसकी वजह से भाई इन हैंड फील सच में बहुत ही प्यारा लगता है। इवन जब मैं इसको अपने जिम लेके जाता था, वहां पे मेरे कुछ फ्रेंड्स जो कि ऑलरेडी 14 प्रो 13 प्रो यूज करते हैं, उनको जब मैंने ये फोन पकड़ाया भाई वो भी उठा के एकदम सरप्राइज हो गए कि कितना प्रीमियम डिजाइन बनाया है इन्होंने। और जबकि अगर 14 से कंपेयर करें तो वेट में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि यहां मैट टेक्सचर है, क्योंकि ये राउंडेड एडजेस हैं, तो इन रीजन से ये फोन बहुत ही ज्यादा हल्का फील होता है। मतलब कि अगर पहले आपने 14 भी यूज किया है, 15 में आओगे प्रीमियम फील होता है ये। हालांकि अगर आप इसमें 14 का केस चढ़ाते हो थोड़ा सा ढीला पड़ता है। एक केस है मेरे पास जो कि मैंने iPhone 14 प्लस के लिए लिया था, लेकिन वो उसमें आता नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा टाइट फंसता था, जिसकी वजह से मैंने उसको यूज करना ही छोड़ दिया था। लेकिन जब मैंने उसको 15 प्लस में डाला तो भाई वो बहुत ही प्यार से आ गया, बिकॉज इसके जो डायमेंशन है ये 14 के कंपैरिजन में हल्के हल्के कम है और राउंडेड एडजेस के कारण ये अच्छे से फिट भी हो जाता है। इसके अलावा भाई इसके डिस्प्ले में डायनामिक आइलैंड मिल जाता है। तो इससे पहले क्या होता था, अगर आपने iPhone 13 से 14 में शिफ्ट किया तो भाई किसी को पता नहीं चलता था कि ये 13 है या 14 है, लेकिन 15 का डिस्प्ले देखने से ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये iPhone 15 है, या फिर वो सोचेगा कि 14 Pro सीरीज का या 15 Pro सीरीज का iPhone है। हालांकि एक कंफ्यूजन जो कि काफी सारे लोगों को होती है, iPhone 15 सीरीज में एक्शन बटन है, तो भाई वो सिर्फ Pro सीरीज में है। यहाँ पे आपको वही पुराना वाला अलर्ट स्लाइडर ही मिलता है। मैं iPhone 15 Pro भी यूज कर रहा हूँ और उसका जो एक्शन बटन है मैं उसको साइलेंट बटन के जैसा ही यूज करता हूँ, तो एक्चुअली मेरी लाइफ में फर्क ही नहीं पड़ा है कि वो एक्शन बटन है या फिर अलर्ट स्लाइडर। इसके अलावा भाई फिजिकली एक और चेंज मिल जाता है, वो है टाइप सी। पहले लाइटनिंग मिलता था, और इस टाइप सी के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि पहले एप्पल इकोसिस्टम में रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे लिए एडवांटेज ये है कि मैं अपने आईपैड की या फिर मैकबुक की सेम केबल से इसको भी चार्ज कर सकता हूं, ये एडवांटेज हो जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि मेरे पास जो एयरपॉड्स प्रो हैं वो लाइटनिंग केबल वाले हैं, और मेरे पास एयरपॉड मैक्स हैं उसमें भी लाइटनिंग केबल लगती है। और इसके अलावा तीसरा, मेरा एप्पल वॉच अल्ट्रा के लिए मुझे तीसरी केबल कैरी करनी पड़ती है। तो भाई जितने भी पुराने एप्पल यूजर्स हैं जिनके पास एप्पल एयरपॉड्स हैं, तो उसके लिए आपको अलग से केबल कैरी करनी पड़ेगी। और मेरे केस में फिलहाल मैं 3 अलग अलग केबल्स यूज करता हूँ, फोन के लिए अलग, एयरपॉड्स के लिए अलग और एप्पल वॉच के लिए अलग। हालांकि इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जब भी मैं अपने एयरपॉड्स अपग्रेड करूंगा तो टाइप सी वाले मिलेंगे, बाकी एप्पल वॉच के लिए तो अलग से चार्जर रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक छोटी सी दिक्कत मुझे और फील हुई टाइप सी में, लाइटनिंग होता था तो भाई बिना देखे भी आराम से मैं उसको इंसर्ट कर सकता था, लेकिन क्योंकि ये टाइप सी है और इसके जो चारों तरफ पे एजेस हैं वो थोड़े से शार्प रहते हैं, तो मुझे इसमें इंसर्ट करने में थोड़ा सा डर लगता है कि यहाँ वहाँ स्क्रैचेस ना लग जाएं। अब बात करें इसके डिस्प्ले की, तो भाई यहाँ पे सबसे बड़ा अपग्रेड मिल जाता है, पिछले साल के प्रो सीरीज वाला डायनामिक आइलैंड आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो कि भाई काफी लोगों को अच्छा लग सकता है, काफी लोगों को हो सकता है ना पसंद आए। मेरे केस में मुझे अच्छा लगता है, जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है ये आपको ऊपर वहाँ पे प्रोवाइड कर देता है, वो जो कैप्सूल टाइप का है बड़ा होके, कोई भी चीज आप कनेक्ट करते हो वहाँ पे शो होने लगती है, एयरपोर्ट से कुछ ले रहे हो, कुछ भेज रहे हो, तो ये कुछ एक इंडिकेशन आपको इसमें मिल जाते हैं। और जो कहीं कहीं पे आप इसको एज अ डॉक भी यूज कर सकते हो, जैसे म्यूजिक वगैरह प्ले कर रहे हो तो वो छोटे से डॉक में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये काफी कन्वीनियंट लगता है मुझे। और मुझे एक बहुत बड़ी बात लगती है कि प्रो सीरीज वाला फीचर इन्होंने ऐसे ही नॉन प्रो वाले में डाल दिया है, तो भाई उसके लिए हैट्स ऑफ टू एप्पल। और इसके साथ साथ प्रो सीरीज वाली ब्राइटनेस यानी कि 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है आपको आईफोन 15 में, जो कि भाई इसको वन ऑफ द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले इन एनी स्मार्टफोन बना देती है। हाँ, गूगल पिक्सल में थोड़ी सी और ज्यादा मिलती है, शायद 2400 निट्स, लेकिन फिर भी 2000 निट्स ब्राइटनेस वाले फोन्स अभी काफी कम है मार्केट में। हालांकि इसको अगर आप प्योर धूप में यूज करते हो और एटमोस्फेयर काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, तब ये फोन डेफिनेटली हीट होकर अपनी ब्राइटनेस को ड्रॉप कर देता है, लेकिन ऐसे ही ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं करता है। जब एक्चुअली टेम्परेचर काफी ज्यादा हाइक हो जाता है, तब ये सेफ्टी पर्पस के लिए जरूर से अपनी ब्राइटनेस लो करता है। लेकिन एक कंप्लेंट जो कि हमेशा से नॉन प्रो सीरीज के साथ रही है, वो कंप्लेंट हमको यहाँ पे भी है, भाई 60Hz वाला डिस्प्ले है ये। होपफुली एप्पल नेक्स्ट ईयर 120Hz प्रोवाइड करेगा, लेकिन भाई फिलहाल आपको 60Hz से ही काम चलाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर आपने पहले 60Hz वाला फोन यूज किया हुआ है तब आप इसमें आते हो, तब तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप iPhone 12, 11, 13 से भी आ रहे हो या फिर 14 से भी आ रहे हो, तब भी आपको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 13 Pro, 14 Pro ऐसा कोई फोन यूज किया हुआ है, उसके बाद अगर इस वाले फोन में आते हो, तब डेफिनेटली वो 60Hz आपको आंखों में खलेंगे। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर इसमें 120Hz का
रिफ्रेश रेट होता ना, तो भाई ये दी परफेक्ट आईफोन एवर कहला जाता मेरे हिसाब से। इसीलिए मैंने इस फोन को ऑलमोस्ट परफेक्ट आईफोन कहा है, बिकॉज ये एक इसका माइनस पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा लगभग जो चीजें प्रोवाइड कर रहा है उसमें ये टॉप ऑफ द लाइन ही परफॉर्म कर रहा है। अब परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें A16 बायोनिक चिप मिल जाती है। ये वाला चिपसेट पिछले साल के प्रो सीरीज में मिलता था, यानी कि 14 प्रो। इन शॉर्ट में बताऊं तो आज से 2 महीने पहले जो एप्पल का फ्लैगशिप डिवाइस था वही सेम चिपसेट आपको इस वाले फोन में मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात हो जाती है। लेकिन भाई इससे पहले वाला जो चिपसेट था यानी कि A15 बायोनिक चिप, वो भी इतना ज्यादा पावरफुल था, और इसकी भी बात करूं तो डेफिनेटली ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो अगर आप A15 से A16 में आओगे तब आपको कुछ भी ऐसा इंप्रूवमेंट समझ में नहीं आएगा। सेम वैसे ही काम करता है, सेम वैसे ही ऐप ओपनिंग क्लोज वगैरह सब कुछ वैसे ही काम करता है, तो आपको कोई भी ऐसा बड़ा फर्क नहीं समझ में आएगा। हाँ, हालांकि इसमें आपको 6GB रैम मिलती है, जो कि एडवांटेज हो जाता है। बाकी इसमें हैवी गेमिंग करो, वीडियो एडिटिंग करो, भाई बहुत ही मक्खन तरीके से काम करता है ये, क्योंकि इसमें 60Hz का डिस्प्ले है, तो ये भाई 60Hz की गेमिंग ही प्रोवाइड करता है। वहां पे आपको 90fps वाला ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये 60Hz की कंसिस्टेंट गेमिंग प्रोवाइड करता है, जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस में चार चांद लगा देगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर आप गेमिंग के लिए इस वाले फोन को खरीद रहे हो तो ये कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट करेगा। परफॉर्मेंस वगैरह बहुत ही कमाल की मिलने वाली है आपको। इवन अगर इसमें वीडियो एडिटिंग भी करते हो तो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो भाई चिपसेट के मामले में तो आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट इन मार्केट हो जाता है इसका। हालांकि डेफिनेटली आपको कुछ बग्स भी देखने को मिलेंगे इसमें, जैसे कि कई बार आपको फोन आएगा और वो जो स्लाइडर है वो स्लाइड ही नहीं होता है। मतलब बहुत बार कोशिश करने के बाद वो स्लाइड होता है, लेकिन हाँ उसका एक सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। जस्ट वॉल्यूम डाउन या वॉल्यूम अप बटन एक बार दबा देना, जैसे उसका वाइब्रेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद आप इजीली अपने फोन को उठा सकते हो। तो इस तरीके से कुछ छोटे मोटे ग्लिचेस मिल जाएंगे, लेकिन वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं। हालांकि 15 प्रो सीरीज के साथ मुझे वाला इशू नहीं हुआ है, आईफोन 15 के साथ ही मुझे वाला इशू हुआ था, तो मैंने सोचा यहाँ पे आपको मेंशन कर दूं। अब अगर बात करूं इसके कैमरास की, तो यहाँ पे आपको 48MP का लेंस मिला है, जो कि पिछले साल की प्रो सीरीज में मिलता था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई प्रो सीरीज से बहुत कुछ उठा के उन्होंने नॉन प्रो सीरीज में डाल दिया है, और इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई ये आईफोन 15 सीरीज का सबसे वर्सटाइल और सबसे ज्यादा अपग्रेड्स पाने वाला आईफोन बन चुका है ये। अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाते हो तो आपको 12 और 24MP की फोटोज क्लिक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको बैक करके यहाँ पे नीचे रेजोल्यूशन कंट्रोल में जाते हो और इसके बाद अगर आप अपना कैमरा ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको JPEG मैक्स का ऑप्शन मिलता है। जैसे इसको ऑन करते हो और अब आप कोई भी फोटो क्लिक करोगे तो वो 48MP की फोटो क्लिक होती है। तो भाई यहाँ पे आपके पास 12, 24 और 48MP की फोटो क्लिक करने का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल की बात होती है। इससे पहले जो प्रो सीरीज थी वहां पे आप 48MP का प्रो फोटोज खींच सकते थे, लेकिन अब आप नॉन प्रो फोन से भी 48MP के प्रो फोटोज खींच सकते हो। इसके अलावा भाई 14 से कंपेयर करें यहाँ पे आपको HDR5 मिलता है, जो कि भाई बहुत ही कमाल लेवल के फोटोज क्लिक करता है। मतलब कि भाई 14 के कंपैरिजन में 15 की जो डायनामिक रेंज है वो बहुत ही कमाल तरीके से, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से क्लिक करता है। यहाँ पे ऊपर आई बटन में क्लिक करके 14 एंड 15 का पूरा कंपैरिजन देख सकते हो आप। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपने अपने फ्रेंड्स के या कहीं पे भी गए हो वहाँ पे अगर आपने नॉर्मल फोटोज क्लिक करे हैं तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो पोर्ट्रेट फोटोज में सिंपली उसके एडिट बटन में क्लिक करके, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का फीचर हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की मेरे को पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करनी है लेकिन मैंने नॉर्मल फोटो क्लिक कर दी है, तो भाई वहां पे बहुत परेशानी हो जाती है। फिर मैं सोचने लगता हूँ अरे यार पोर्ट्रेट में क्यों नहीं स्विच किया, लेकिन अब ये सोचने वाली टेंशन खत्म है। नॉर्मल फोटोज को आप पोर्ट्रेट फोटोज में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा 48MP का जो लेंस है उससे आप 2x में ऑप्टिकल जूम कर सकते हो, यानी कि भाई ये 2x में ऑप्टिकल जूम करके 12MP की हाई रेजोल्यूशन फोटो क्लिक कर सकते हो। मतलब ऐसा समझ लो कि 2x का ऑप्टिकल लेंस आपको एडिशनल मिल रहा है इन दो लेंसेस में ही। तो अगर आप थोड़ा सा दूर के ऑब्जेक्ट को क्लिक करना चाहते हो तो ये 25x तक डिजिटल जूम कर सकता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कमाल की बात हो जाती है। भाई डेफिनेटली कैमरास के मामले में काफी अपग्रेड किए गए हैं, स्पेशली डिटेल्स और HDR का बहुत बड़ा फर्क मिलेगा आपको अगर आप इस 14 से भी कंपेयर करते हो तो। हालांकि वीडियोस के मामले में मुझे ऐसा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं फील हुआ 14 के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी अगर आप व्लॉगिंग करने का सोच रहे हो तब ये फोन आपके लिए परफेक्ट हो जाता है। अगर बात करूं इसके बैटरी लाइफ की, तो भाई इसने मुझे 6 घंटे के आसपास का कंसिस्टेंट बैटरी बैकअप दिया है। इवन एक दिन मैंने इसको 2 बार चार्ज किया था और इसने मुझे टोटल 9 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप दिया, जो कि भाई मेरे हिसाब से बहुत कमाल की बात हो जाती है। नॉर्मली भी आप देखोगे तो अराउंड 5, 5.5, 6 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम इसने मुझे दिया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कमाल की बात हो जाती है। इतना हल्का फोन है, मतलब इतना बैटरी बैकअप देने के लिए आपको एंड्रॉइड के भारी भरकम फोन चलाने पड़ेंगे 5000mAh वाले, जबकि अगर इसके एमएच देखोगे तो बहुत ही ज्यादा कम है। आपको लगेगा क्या ही बैटरी बैकअप देगा, लेकिन भाई डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो चार्जिंग स्पीड भाई कोई भी आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिल रही है इसमें, वही 20W वाली चार्जिंग मिलती है। 30 मिनट में 50% चार्ज हो जाता है, अराउंड 80 मिनट के आसपास ये टोटल ले लेता है फुल चार्ज होने में। लेकिन बैटरी बैकअप की बात करूं तो बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। अब इसके अलावा आप इसमें मैक्सेफ एक्सेसरीज कनेक्ट कर सकते हो, मैक्सेफ चार्जिंग कर सकते हो, वायरलेस चार्जिंग आराम से हो जाती है इसमें, लेकिन वो मैं थोड़ा सा रिकमेंड कम करता हूं क्योंकि फोन थोड़ा सा हीट होने लगता है। लेकिन एक चीज जो कि आपको आईफोन 15 सीरीज में ही मिलती है और किसी भी दूसरे आईफोन में नहीं, वो है रिवर्स वायर्ड चार्जिंग। अगर आपके पास टाइप
टाइप सी टू लाइटनिंग केबल है, तो आप इनको कनेक्ट करके अपना लाइटनिंग वाला आईफोन चार्ज कर सकते हो, अपने एयरपॉड्स को चार्ज कर सकते हो, अपनी एप्पल वॉच को चार्ज कर सकते हो, इवन किसी दूसरे एंड्रॉइड फोन को भी चार्ज कर सकते हो। और अगर एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन चला रहे हो तो उस फोन से इस फोन में चार्जिंग भी ले सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का फीचर हो जाता है और इमरजेंसी में बहुत सारा काम आने वाला फीचर हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि इसमें टाइप सी है, तो आप किसी भी वन प्लस सैमसंग का चार्जर यूज कर सकते हो, जो कि इमरजेंसी के वक्त में लाइफ सेवर हो जाता है। इमरजेंसी से ज्यादा है इसमें आपको इमरजेंसी SOS का भी फीचर मिल जाता है, लेकिन ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो तब ये फीचर हो सकता है आपके काम आ जाए इमरजेंसी के वक्त में। ऑल्सो इसमें कार क्रैश डिटेक्शन का भी फीचर मिल जाता है, यानी कि बाय चांस ये डिटेक्ट करता है कि आपका कार एक्सीडेंट हुआ है, तो ये इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर देता है और आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को आपकी लोकेशन भेज देता है। ऑल्सो इसमें एक और अपग्रेड मिल जाता है, इसमें आपको U2 चिप मिलती है, जो कि U1 से 3 गुना ज्यादा पावरफुल है, यानी कि आप इस फोन की और भी ज्यादा एक्यूरेट ट्रैकिंग कर सकते हो एज कम्पेयर टू पुराने फोन। चलो बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देखो, फोन जो है ये बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है, ओवरऑल एनहांस्ड फील बहुत प्रीमियम। हाँ, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट नहीं है, लेकिन फिर भी ये डायनामिक आइलैंड ऑफर कर रहा है, 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर कर रहा है, डेफिनेटली एक बड़ा अपग्रेड डिस्प्ले में भी मिल रहा है, चिपसेट में भी आपको अपग्रेड मिल रहा है, लेकिन हाँ पुरानी वाली भी बहुत अच्छी थी, तो मैं चिपसेट में इतना बड़ा अपग्रेड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर की प्रो चिपसेट आपको इसमें मिल रहा है। चौथा, कैमराज में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट मिल रहा है, 48 मेगापिक्सल का लेंस, ऑटो पोर्ट्रेट और इंप्रूव्ड HDR फोटोज मिल रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से इस फोन को काफी वैल्यू फॉर मनी बना देते हैं। अब इतने सारे अपग्रेड्स देने के बाद इन्होंने इस फोन की प्राइस में कोई भी फर्क नहीं लिया है। लास्ट ईयर जैसे आईफोन 14 मिलता था 80,000 का, सेम उसी प्राइस पे इस फोन को भी लॉन्च किया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात हो जाती है। यूजुअली एप्पल ऐसा करता नहीं है, क्योंकि 15 प्रो से 15 प्रो मैक्स का जो प्राइस है उसको 20,000 रुपए से बढ़ा दिया गया है सिर्फ उस एडिशनल एक लेंस के कारण। तो हाँ भाई, आईफोन 15 एक बहुत अच्छी डील हो जाती है खरीदने के लिए। हालांकि जिन भी लोगों ने आईफोन 13 खरीदा है, अंडर 50,000 या 50,000 के आसपास आईफोन 14 खरीदा है, तो मेरे हिसाब से वो थोड़े से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको लेटेस्ट फोन चाहिए तो 15 की तरफ जा सकते हो, काफी अच्छे खासे अपग्रेड्स मिल चुके हैं इस फोन में। इसके अलावा एक और छोटी सी एडवाइस दूंगा, अगर आप एक साल और रुक सकते हो आईफोन 16 के लिए, बहुत हद तक चांसेस हैं कि वहां पे आपको 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाला फोन मिलने वाला है, और जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि भाई प्रो सीरीज की तरफ जाने की किसी को भी जरूरत है, बिकॉज अभी अगर देखा जाए तो सिर्फ 120 हर्ट्ज़ के कारण प्रो सीरीज खरीदी जाती है, एक्सेप्ट आपको वो 3 कैमरा लेंसेज पीछे से शो ऑफ करना हो। तो भाई सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, अगर आपकी बाइंग डिसीजन में थोड़ा सा भी इस वीडियो ने हेल्प किया है तो नीचे अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर से छोड़ देना, और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और भाई लाइक वाइक कर देना, और वो जो बेल आइकन दबाना होता है वो सब दबा देना, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।